वैसे कहानी की स्टार्टिंग होती है एक बोरिंग सुबह के साथ, क्योंकि सदोटा को लगता है उसका हर दिन एक जैसा ही गुजरता है। वैसे इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, जब तक सदोटा ने कंबल नहीं हटाया। लेकिन सदोटा कंबल हटाता है और उसे दिखता है रेड वेलवेट कट साइज पैंटी। फिर क्या, पैंटी के साथ एंट्री होती है हमारी दूसरी कैरेक्टर मिसाकी की, जो कि काफी खुश रहती है, एनिमेशन करती है और दूसरे को पहचान भी करती है। सदोटा की फिर से फट के हाथ में आ जाती है और मिसाकी को बाहर जाने को बोलता है। मिकासी बेड से उठती है और सदोटा से पूछती है क्या खाओगे जानू, लेकिन सदोटा इग्नोर मारते हुए स्कूल की डस लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। वैसे ही दूसरा गेट पट से खुलता है और कांडा की मैम आती है। वैसे कांडा का ही नाम सदोटा होता है, मतलब आगे समझ सकते हो। और कहानी एक नया मोड लेती है, वैसे मोड तो लेना ही है। मैम उसे टूल बॉक्स थमा देती है और बोलती है बेटा पास साइन बोर्ड सही कर देना। सदोटा बोर्ड सही कर रहा होता है तभी मिसाकी ऊपर से चिल्लाकर बोलती है आओ आग बुझाएं। वैसे अब आया ना एची का स्वाद। फिर सदोटा स्कूल जाता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं तुम साकरा हॉल कब छोड़ोगे, क्योंकि सदोटा का भी यही गोल होता है कि उसे साकरा हॉल कैसे भी करके छोड़ना है। फिर सदोटा अपनी मैम के पास जाकर स्कूल सेरेमनी के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मैम लड़कों को लाइन मारने पर तुली है फोन से। यार कुछ देर बाद मैम अपनी कज़न की एक फ़ोटो देती हैं और उसे स्टेशन से पिक करने के लिए कहती हैं, जो कि इंग्लैंड से आ रही होती है। सदोटा स्टेशन पहुंच जाता है और उसे थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठी वो लड़की मिल जाती है। सदोटा की बात स्टार्ट होती है कलर के साथ लेकिन ख़त्म होती है आई लाइक इट के साथ। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हुआ यार। फिर हॉल में सब सेलिब्रेशन करते हैं, मिसाकी मैम जेन और वो लड़की सीना जो इंग्लैंड से आई है। जेन लड़की को देखकर उसकी हर पार्ट की मेजरमेंट दे देता है, ये तो कोई नई टेक्नोलॉजी लगती है। तभी से सदोटा को साकरा हॉल बड़ा अच्छा लगने लगता है। वैसे आप लोग को तो पता ही होगा कि इंग्लैंड के लोग काफी अच्छे होते हैं। फिर सुबह मैम सदोटा से कहती हैं सीना को नीचे लेकर आ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तभी सदोटा ऊपर जाता है और सीना के गेट के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ लिखा होता है ओनली गर्ल्स आर अलाउड, जैसे स्कूल की टॉयलेट के बाहर लिखा होता है, जो कि सीना ने लगाया होता है। अब सदोटा करे भी तो क्या करे, वो नॉक करता है, आवाज लगाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। वो अंदर चला जाता है क्योंकि गेट लॉक नहीं होता है और उसे दिखता है सीना ने फांसी लगा ली। मजाक कर रहा था, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अंदर सीना के सारे कपड़ों से पूरा कमरा भरा हुआ होता है। सदोटा उसे उठने के लिए बोलता है और कहता है कि तैयार हो जाओ, पर जैसे ही सीना कपड़ों से निकलती है सब ठीक है यार, कुछ नहीं हुआ। सदोटा उसे ऊपर से नीचे तक देखता है तो उसे पता चलता है कि सीना ने कुछ भी नहीं पहना है। ये देखकर तो सदोटा की गांठ फट के हाथ में आती है। वो सीना से कपड़े पहनने के लिए बोलता है, सीना को अपनी पैंटी ही नहीं मिलती। फिर सदोटा उसे उन्हीं कपड़ों से ढूंढ करके निकाल के देता है, पर सीना कहती है ये क्यूट नहीं है यार। अरे बहनचोद, यहाँ भी क्यूटनेस चलेगी। कपड़े पहनने के बाद वो उसे भगा कर ले जाता है स्कूल। बस कहानी की एंडिंग यहीं तक हो जाती है, सिर्फ एपिसोड 1 की। अभी इसके आगे और चलेगी, एपिसोड आते रहेंगे, आप देखते रहिए, हम बनाते रहेंगे।